पीएम मोदी ने किया राम मंदिर भूमि पूजन का ऐलान, तो वैसी भड़के का संविधान की शपथ का उल्लंघन। पीएम नरेंद्र मोदी के राम मंदिर भूमि पूजन के लिए जाने पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम के मंदिर के शिलान्यास में जाने को संविधान के शपथ का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा, पंथ निरपेक्षता भारत के संविधान का अभिन्न अंग है और यह उसका अनादर होगा। बता दें कि पीएम मोदी 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे, वहां वह राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जब 5 अगस्त को राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे, उसी के बाद मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसी पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है, अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। ओवैसी ने कहा, हम यह नहीं भूल सकते कि 400 वर्षों से ज्यादा वक्त से बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी और 1992 में क्रिमिनल भीड़ ने इसे ध्वस्त कर दिया था। पीएम का कार्यक्रम तय हो गया है, वह दिन में 11:30 बजे यहां पहुंचेंगे तथा लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में करीब 200 गणमान्य लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। मेहमानों की सूची पीएमओ को सौंपी जा चुकी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कहा, भूमि पूजन के दिन 5 अगस्त को दुनिया भर में फैले सभी राम भक्त और भारत के संत महात्मा जहां हैं वहीं पूजन करें। उन्होंने कहा, सभी श्रद्धालु संभव हो तो परिवार के साथ या नजदीक के किसी भी मंदिर में 5 अगस्त को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक भजन पूजन करें। उन्होंने बड़े ऑडिटोरियम में भूमि पूजन का लाइव टेलीकास्ट दिखाने की भी अपील की है। राम मंदिर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का इस वक्त बयान, क्या मामला राजनीति के तरफ जाता है या राजनीति से अलग हटकर इसको देखा जाए? इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।